नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। तो सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मैं अपनी एक खुशी साझा करना चाहती हूँ, वो ये कि मेरे घर में मेरे जेठ जी के यहाँ दोईता हुआ है उनको, मतलब हम सब नाना नानी बन गए। बहुत खुशी का वो हमारे लिए मौका है, और इसीलिए पिछले 15 दिनों से हम जच्चा बच्चा के साथ व्यस्त थे और मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाई। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, वो उसी से संबंधित रेसिपी है। हमारे राजस्थान में क्या होता है कि डिलीवरी के बाद 10 दिन तक नव प्रसूता को अजवाइन की एक, आप अजवाइन का हलवा भी बोल सकते हैं उसको, वो बना के खिलाया जाता है। तो वो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 10 दिन तक नव प्रसूता को वो देने से उसकी जो ताकत चली गई होती है उसको वापस ठीक करने के लिए, शरीर के सारे अंग फिर से ठीक करने के लिए वो दिया जाता है। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और इस रेसिपी की फरमाइश करीब 2 महीने पहले हमारी व्यूअर उर्मिला पंचारिया जी ने की थी, लेकिन उस वक्त मैं बना नहीं पाई थी, मौका नहीं मिला था। तो अभी जब घर में ऐसा हमारे घर में भी अब नव प्रसूता है तो उसके लिए मैंने बनाया था, तो सोचा आप लोगों के साथ ही रेसिपी शेयर करूं। तो हमारी ये जो सनातन परंपराएं हैं, सनातन हमारी जो रीति रिवाज हैं या खान पान है हमारा, तो वो सब कुछ सोच समझ कर किया रहता है, उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है, तो वही आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो हम परंपरा को निभाते हुए आधुनिकता को भी अपनाते हैं, लेकिन परंपराएं भी निभाते हैं। तो आज आपके लिए मैं वही रेसिपी लाई हूँ, और चलिए जल्दी से हम बनाते हैं अजवाइन, जो कि नव प्रसूता को दिया जाता है, अजवाइन का हलवा बोल सकते हैं आप, अजवाइन की पात भी बोल सकते हैं उसको। और वीडियो बनाते बनाते कुछ बातें भी कर लेंगे कि क्या ध्यान रखना है क्या नहीं रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमें किस चीज़ का, वो जब अजवाइन जब खाते हैं तो किस चीज़ का परहेज करना है, हवा नहीं लगनी चाहिए वगैरह, बहुत सी बातें होती है नव प्रसूता के लिए, तो वो सब भी बातें हम वीडियो के साथ साथ करेंगे। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो ये अजवाइन का हलवा या अजवाइन की पात बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है ये 50 ग्राम जितना अजमा, इसको अजवाइन बोलते हैं हिंदी में, मारवाड़ी में अजमा, मराठी में ओवा और इंग्लिश में कैरम सीड्स बोलते हैं, वो लिया है मैंने 50 ग्राम। और इसका दुगना गुड़ लिया है मैंने, मैंने यहाँ पे गुड़ का पाउडर लिया है। तो अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप गुड़ को कूट के या कद्दूकस करके लें। तो अजवाइन का दुगना यानी कि 100 ग्राम जितना गुड़ लिया है। 10 ग्राम मैंने यहाँ पे ये गोंद लिया है, ये गोंद एडिबल गम जो होता है वो है। और घी मैंने लिया है 150 ग्राम, तो जो नव प्रसूता होती है उसको घी ज़्यादा ही खिलाना होता है इसलिए लिया है, लेकिन अगर किसी को कम पसंद है तो आप 100 ग्राम तक कर सकते हैं। और ये जो सूखा नारियल होता है उसको कद्दूकस करके लिया है थोड़ा, और करीब 50 ग्राम जितने मैंने बादाम लिए हैं। तो पहले तो गोंद को थोड़ा सा कूट लेंगे और बादाम को भी कूट लेंगे, उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। तो गोंद को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है ताकि इसके जो हम घी में डाल के फूले बनाएंगे तो वो ज़्यादा बड़े नहीं बने, और बादाम भी मैंने थोड़े से कूट लिए हैं। इसको साबुत बादाम इसलिए नहीं रखना है कि ऐसा बोलते हैं कि नव प्रसूता होती है तो उसके भी दांत कमजोर होते हैं, कच्चे होते हैं, तो चबाने में तकलीफ होती है, इसलिए जितना हो सके उतना बारीक करते हैं। आप चाहे तो मिक्सर में इसका पाउडर भी बना सकते हैं। और अजवाइन को मैंने मिक्सर में बिल्कुल बारीक पाउडर कर लिया है, चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसा हमें इसको करना है, तो ये मिक्सर में पाउडर कर लिया है। अब इसका आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब ये अजवाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली है, आप भी कोशिश करें लोहे की कढ़ाई लें, ना हो तो पीतल की कढ़ाई भी चलेगी या स्टील की भी चलेगी, लेकिन नॉनस्टिक बिल्कुल भी ना लें, एल्यूमिनियम भी ना लें। लोहे की कढ़ाई से क्या होगा ना कि नेचुरल आयरन भी मिल जाता है, इसलिए जहाँ तक हो सके खाना बनाने में पीतल या लोहे के बर्तन ही काम में लेने। तो ये घी मैंने इसमें डाल दिया है, घी गर्म हो जाएगा उसके बाद इसमें गोंद डालेंगे। घी अच्छा गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे, और इस ये जब फूल जाएगा अच्छी तरह से तब इसमें से निकाल देंगे। गोंद कच्चा नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि गोंद अगर कच्चा रहा तो वो दांत के बीच में आएगा और चबाने में दिक्कत आएगी, तो ये अच्छे से फूलना चाहिए घी में, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये देखिए इसका एक एक दाना फूल गया है अच्छी तरह से, तो ये मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और अगला गोंद तल लेंगे। तो जब हम नव प्रसूता के लिए कुछ बना रहे हैं तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है,
तो इसलिए ये चीज सारी अच्छे से पकी होनी चाहिए वगैरह, नहीं तो क्या होता है ना कि चबाने में दिक्कत आएगी, और फिर हो सकता है कि चबाने में टाइम लग रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है तो वो खाएगी भी नहीं, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये बस गोंद तैयार हो गया हमारा। गोंद निकालने के बाद इसमें डाल देंगे गुड़। तो गुड़ को हमें सिर्फ गुड़ थोड़ा पिघल जाए उतना ही इसको हमें इसमें घी में रखना है। आंच गैस की बिल्कुल बारीक रखनी है, तेज नहीं रखनी है, नहीं तो गुड़ कड़क हो जाएगा। और गुड़ की हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ ये पिघल जाए, इसीलिए इसमें गुड़ या तो पाउडर लें या फिर आप इसको कूट के डालें। ये बस गुड़ तो हमारा पाउडर था तो इसको कुछ टाइम लगा नहीं, पिघल गया ये अच्छी तरह से इसमें। अब इसमें डाल देंगे तुरंत ही हमारा अजवाइन जो हमने पीस के तैयार किया था वो। और अब मैं गैस की आंच यहाँ पे बंद कर रही हूँ और उसके बाद इसमें डाल देंगे बादाम और जो नारियल कद्दूकस किया था वो। गैस की आंच मैंने बंद कर दी है, ये ध्यान रखें अजवाइन डालने के बाद तुरंत गैस की आंच बंद कर दें। और अब डाल दिया हमारा जो गोंद हमने तल के रखा था वो, और बस ये तैयार हो गया है अजवाइन का हलवा या अजवाइन की पात नवप्रसूता के लिए। बिल्कुल गर्मा गर्म इसको खाने के लिए देना है तभी ये फायदा करेगा, ठंडा हो गया तो थोड़ा सा कड़क हो सकता है तो फिर वो चबाने में दिक्कत होगी। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये गर्मा गर्म अजवाइन का हलवा अजवाइन की पात नवप्रसूता को खाने के लिए दें। ये सुबह सुबह दिया जाता है, जहाँ तक हो सके मुँह अंधेरे दिया जाता है, मतलब सुबह 5-5:30 बजे, और उसको खिला के फिर बोला जाता है कि सो जाए, और उससे इसका ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। अजवाइन के फ़ायदे तो आपको पता ही हैं कि बहुत होते हैं अजवाइन के फ़ायदे। डिटॉक्स होता है शरीर, और जो क्या बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग जो होती है तो वो अच्छे से खुल के होती है, और शरीर की सारी जो भी गंदगी होती है वो सब निकल जाती है, पेट साफ रहता है, गैसेस नहीं होते हैं, क्योंकि नवप्रसूता को आराम ही करना है, कुछ काम करना नहीं है, तो खा पी के इस तरह की चीज़ें खाने से पेट में गैसेस नहीं होंगे, बच्चे को आराम मिलेगा, दूध बनने में भी इससे अजवाइन से फ़ायदा होता है। तो ये सारे इसके फायदे हैं। बस ये गरम गरम देना है खाने के लिए, और उसके बाद इसको खाने के बाद ओढ़ के सो जाए, आराम करें। और परहेज इसके साथ ये होता है कि इसके साथ दूध नहीं लेना है, इसीलिए 10 दिन तक शुरू के 10 दिन में ये अजवाइन दे देते हैं, खिला देते हैं। इसके साथ दूध नहीं चलता है क्योंकि दूध और अजवाइन विरुद्ध धन है, इसलिए बाकी इसमें कुछ खास परहेज नहीं। हवा नहीं लगने देनी चाहिए, वो तो अभी लगभग हर कम्युनिटी में ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ठंडा पानी में हाथ नहीं डालना, कच्चा पानी नहीं पीना, मतलब पानी उबाल के पीना, हवा नहीं लगने देना, ये सारी चीज़ें भी इसमें ध्यान रखने वाली होती है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं घी आपको लगा होगा उस वक्त कि कितना है, लेकिन ये फिर भी कम है। पुराने ज़माने में तो घी भी ऊपर तैरता था इस पर, और उस तरह से ये प्याला भर के देते थे खाने के लिए, और इसी जो ऊपर घी तैरता है वही घी बच्चे की नाभि में भी लगाते थे और माँ की नाभि में भी लगाते थे, उससे गैसेस नहीं होते थे और वो जो घाव होता है वो अच्छे से जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये गर्मा गर्म अजवाइन की पात बोले, अजवाइन का हलवा बोले, ये 10 दिन तक नवप्रसूता को खाने के लिए देना है। सुबह के नाश्ते में ये होगा, और बीच में भूख लगे तो जो मैंने गोंद की राख की एक रेसिपी मैंने शेयर की थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो दे सकते हैं। उसके अलावा गुड़ का हलवा देंगे, आटे और गुड़ का, उसका भी मैंने रेसिपी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी है, और शरीर में जो ताकत चली गई होती है नॉर्मल डिलीवरी में, तो मतलब बोलते हैं कि बहुत, एक माँ का भी नया जन्म होता है वैसा होता है, इतनी उसके शरीर की ताकत चली गई होती, तो वो सारी ताकत वापस लाने के लिए होता है। हाँ ये है कि अगर सीजेरियन डिलीवरी है तो उसमें ये चीजें 10 दिन तक नहीं दे सकते क्योंकि डॉक्टर घी नमक इन चीजों का मना करते हैं, घी खाने को मना करते हैं, तो आप 10 दिन बाद में उनको दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें दूसरे दिन से ही ये शुरू कर देते हैं और 10 दिन तक इसे दिया जाता है। सुबह के नाश्ते में ये, रात के खाने में गुड़ का हलवा, बीच में भूख लगे तो गुड़ की राख, या दोपहर को चाहें तो दाल ले सकते हैं, दाल में थोड़ा कम नमक डाल के भी ले सकते हैं, और ये सारी चीजें खानी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आया होगा। डिलीवरी के बाद जो प्रसूता नवप्रसूता का जो खाना होता है 10 दिन तक का,
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं ये भी एक अनुरोध करना चाहूंगी कि जो अभी की जो युवा पीढ़ी है वो अगर मेरा वीडियो देख रही हैं तो वो, या जो माँ बनने वाली हैं अभी, तो वो उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अपने बुजुर्गों की सलाह माने। वो जिस तरह से आपको खाने पीने का बोलते हैं उसका ध्यान रखें, खाए पिए, वो सब आपके अच्छे के लिए होगा। क्योंकि स्वस्थ माँ होगी तभी स्वस्थ बच्चा होगा। तो माँ को स्वस्थ करने के लिए ये सारी चीजें होती है, हमारी परंपराओं में ये हमें बताया गया है। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखें। तो उर्मिला पंचार्य जी, खास आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैंने बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। रेसिपी अगर आप ट्राई करते हैं तो अपने अनुभव मेरे साथ जरूर साझा करें। और वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सो स्वीट किचन को पारंपरिक रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी पारंपरिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए।